नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, इंग्लैंड टीम में हुई खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री, जिससे तीसरा मुकाबला जीतेगा इंग्लैंड। तो क्या पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप यहाँ भारतीय टीम के फैन तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, जहाँ पर 200 टीमों के बीच 25 अगस्त से लीड्स में तीसरे टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाज डेविड मलान को बुला लिया है। मेजबान टीम को लॉर्ड्स में करारी शिकस्त मिली है, जिसे उन्होंने 151 रन से गंवा दिया है। इंग्लैंड 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से पीछे है और ऐसे अब यह मैच अहम बन चुका है। दोनों टेस्ट में इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज अच्छे साझेदारी करने में नाकाम रहे। जैक क्रॉली और डोमिनियन सिबली को फिलहाल टीम से हटा दिया गया है और वह कुछ समय के लिए क्रमशः केंट और वॉरविकशायर लौट आएंगे। वहीं डेविड मलान ने 3 साल पहले अंतिम टेस्ट खेला था। संयोग की बात यह है कि उन्होंने भारत के ही खिलाफ 2018 में इस फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व किया था। 33 साल का यह बल्लेबाज अब तक 15 टेस्ट में 724 रन बना चुका है। इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि डेविड मलान टेस्ट प्रारूप में वापसी के हकदार हैं। सभी प्रारूप में उससे काफ़ी अनुभव है और मुझे यकीन है कि अगर मौका मिलता है तो अपने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बात करें तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों इसमें रूट कप्तान जुकी, साथ ही मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जोनाथ बेरिस्टो, रोरी बर्न्स, जॉस बटलर, सैम कुरैन, हसीब हमीद, डेरन लॉरेंस, साकिब महमूद, डेविड मलान, क्रेग ओवरटन, ओली पॉप, ओली रॉबिन्स और मार्क वुड। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह इंग्लैंड मैच जीत पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।